देखा जाए तो अक्सर कई एक्टर्स हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हाँ, ऐसी कई जोड़ियां हैं जो कि अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं और इनके अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में गूंजती ही रहती हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक और स्टार के बारे में, जिनका सुनने में आ रहा है कि वो तीसरी शादी करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के एक और हैंडसम हंक के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की जीजा पुलकित सम्राट के बारे में, जो कि सुनने में आ रहा है कि पुलकित सम्राट जल्द ही तीसरी शादी करने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पुलकित सम्राट की शादी के बारे में। आपको बता दें कि पुलकित सम्राट की पहली शादी हुई थी सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा के साथ। इस शादी में सलमान खान खुद शामिल हुए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि श्वेता रोहिरा ने खुद ही बताया था कि वो अलग हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, श्वेता का कहना था कि मैं और मेरे पति अब अलग अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वे मुझसे अपने परिवार के लिए अलग हो रहे हैं। हमारे लिए फैमिली जरूरी होती है, वे हमारी लाइफ लाइन है। इसके बाद मैंने उन्हें वह दे दिया जो वो चाहते थे। उन्होंने परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि पुलकित और श्वेता की शादी इसलिए टूट गई थी क्योंकि उनका अफेयर यामी गौतम के साथ चल रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि पुलकित सम्राट और श्वेता रोहिरा की शादी 3 नवंबर 2014 को गोवा में हुई थी। जी हाँ, जिसमें खुद सलमान खान ने श्वेता का कन्यादान किया था और उस समय सलमान के भाई अरवाज खान और बहनोई अतुल अग्निहोत्री भी मौजूद थे। वहीं ये भी बता दें कि कैसे बनी थी श्वेता सलमान की बहन। जी हाँ, श्वेता मुंबई की एक सिंधी गर्ल है और अब बताते हैं कि सलमान मुंह बोली बहन क्यों कहते हैं उन्हें। एक दिन की बात है, वे सलमान के घर पहुंची और उनकी माँ से कहा कि वे सलमान खान को राखी बांधना चाहती हैं। और फिर क्या था, दरिया दिल सलमान खान ने तुरंत ही हाँ बोल दिया और तब से लेकर अब तक वे लगातार श्वेता से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं। सलमान श्वेता अपनी सगी बहन की तरह मानते हैं। जी हाँ, और इसके बाद से जैसे ही उनकी शादी टूटी तो सलमान ने पुलकित के सर से भी अपना हाथ हटा लिया, जिसके बाद से पुलकित सम्राट अपने करियर को खुद ही बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद खबर आई पुलकित और यामी के अफेयर की। ये दोनों भी सुर्खियों में छा गई। वही ये दोनों पहली बार देखे गए थे सनम रे मूवी में और जिसके बाद से इनकी अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में गूंजती हुई नजर आई। वही खबर ये भी आने लगी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला और इनका ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद फिर से पुलकित सम्राट आ गए हैं सुर्खियों में। जी हाँ, पुलकित सम्राट की लाइफ में आ गई कृति खरवंदा, जिनके साथ अब वे रिलेशन में है। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है। वही आपको बता दें कि पुलकित के बर्थडे पर कृति ने चेन्नई जाकर उन्हें सरप्राइज भी दिया था। यहां तक कि कृति अब पुलकित के पर्सनल ट्रेनर समीर हंसारी से ट्रेनिंग ले रही हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिलेशन की पुष्टि नहीं की है। वहीं पुलकित भी इस बारे में बात करने से बचते हुए नजर आते हैं। वही आपको बता दें कि पुलकित और कृति के अलावा उर्वशी रोतेला, जॉन अब्राहम, इलियाना डिक्रूज, अरशद बारसी और सौरभ शुक्ला अहम रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी एक फिल्म आ रही है जिसमें ये लोग सभी साथ में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि पुलकित और कृति खरवंदा पहली बार वीरे की वेडिंग में साथ काम किए थे, जिसके बाद से इन दोनों की खबरें उड़ने लगी थी और इस फिल्म के दौरान दोनों ही दोस्त बन गए थे। और जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए और इनकी इन्हीं हरकतों को देखकर इन्हें फिर से एक फिल्म ऑफर की गई और ये फिल्म है पागलपंती, जिस फिल्म में ये दोनों साथ में नजर आने वाले हैं। और सेट पर से अक्सर ये खबरें आती हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, जहां एक और जब पुलकित सम्राट का सूट होता है तो उस समय कृति खरवंदा उनके लिए लंच भेजती हुई नजर आती हैं, तो वहीं जब कृति का सूट होता है तो पुलकित सम्राट उनको कभी बुके भेजते हैं तो कभी कार्ड्स। ऐसी खबरें आ रही हैं और ये दोनों अक्सर साथ घूमते हुए भी देखे गए हैं। जी हाँ, जब इन दोनों का सेट पर कोई शूटिंग नहीं होती है तो ये दोनों साथ में स्पॉट किए जाते हैं। ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं, जिसके बीच से ये खबरें शुरू आना हो गई हैं कि
पुलकित सम्राट तीसरी शादी करने वाले हैं। अब देखते हैं कि पुलकित का ये रिश्ता कितने दिनों तक चलता है। फिलहाल तो ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बिजी हैं और ऐसे में खबरें इनकी मीडिया में गूंजती हुई नजर आ रही हैं। तो दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।